हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों यह है लेक्चर 6 का सेकंड पार्ट। और इस सेकंड पार्ट में हम बटन और टेक्स्ट बॉक्स के साथ कुछ कोडिंग करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड करा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फॉर्म 1 के डिज़ाइन पर। यहाँ पर मैं एक बटन ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक बटन लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ। एक्चुअली हमें तीन टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होंगे, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और फिर से पेस्ट करता हूँ। हाँ, बस यहाँ पर तीन टेक्स्ट बॉक्स हैं। पहले इसको सही से मैनेज कर लेते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो एडिशन होकर टेक्स्ट बॉक्स 3 में आ जाए। और दोस्तों जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, आपको अगर जानना है ये इसका नंबर क्या है, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 2 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 1, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है, जो कि हम इसको स्टैंड में ही लेते हैं ताकि हमें कोडिंग करने में कोई परेशानी ना आए। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन पर जो बटन 1 लिखा है, मैं इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकूँ। तो मैं यहाँ से इसके टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कैलकुलेट। चलिए यहाँ पर एक काम और करते हैं कि यहाँ पर हम एक लेबल लेते हैं, और इस लेबल में हम प्लस लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल का साइन। चलिए मैं बटन पर डबल क्लिक करता हूँ जिससे मैं इसके कोडिंग के सेक्शन में पहुँच जाऊँ। मैंने डबल क्लिक किया, अब हम इसमें कुछ कोडिंग करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स 1 है उसका टेक्स्ट और प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 का टेक्स्ट असाइन हो जाए टेक्स्ट बॉक्स 3 के टेक्स्ट में। तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। बॉक्स 3 डॉट टैक्स में असाइन हो जाए वैल्यू ऑफ टैक्स बॉक्स 1 डॉट टैक्स प्लस वैल्यू ऑफ टैक्स बॉक्स 2 डॉट टैक्स। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स 3 के टेक्स्ट में टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट और प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट को ऐड कर यहाँ मैंने एडिशन का मार्क लगाया है, एडिशन का साइन लगाया है, ऐड कर मैं टेक्स्ट बॉक्स 3 में असाइन करा लूँगा। और यहाँ VAL का मतलब है वैल्यू, क्योंकि हो सकता है यूज़र इसके अंदर कोई अल्फाबेट भी एंटर कर दे, तो हमें उसको इग्नोर करना है और केवल वैल्यूज़ हमें लेनी है। सो VAL का मतलब है वैल्यूज़। हम बिना VAL के भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारे प्रोग्राम में एरर आ सकती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर VAL लिखते हैं।
आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं कहना चाहता हूँ। तो चलिए उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वैल्यू एंटर करता हूँ 12 और यहाँ पर एंटर करते हैं 12। अब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो प्रोग्रामिंग में भी इसके कोड में बटन वन अंडरस्कोर क्लिक लिखा है, यानी कि जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही ऑपरेशन जो एक्शन स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 24, यानी कि यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा आंसर 24 आ गया। 12 + 12 = 24। आप यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम इसमें एक चीज़ ट्राई करते हैं कि अगर हम वैल्यू ना लिखें, मतलब कि VAL ना लिखें तो क्या होता है। मैं यहाँ से VAL हटा देता हूँ दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस में से। फिर हम देखेंगे कि अगर हम ये ना लिखें तो इस प्रोग्राम के साथ क्या होगा। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरे ख्याल से तो इसका एडिशन नहीं होगा। चलिए पहले नंबर्स डालकर देखते हैं। इसका एडिशन देखिए दोस्तों नहीं होगा, बल्कि ये एज इट इज यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये देखिए 11 और 11, ये प्लस नहीं हुआ है बल्कि एज इट इज कॉपी हो गया है। चलिए देखते हैं अगर हम यहाँ पर कोई अल्फाबेट डालते हैं तो क्या होता है। देखते हैं दोस्तों इस प्रोग्राम के साथ क्या होता है। ये भी एज इट इज कॉपी होना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर हम वैल ना लिखें तो एज इट इज ये कॉपी हो जाता है। अब देखते हैं हम वैल लिखकर, लेकिन इस बार हम अल्फाबेट भी एंटर करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर देखते हैं अगर हम इसके साथ कोई अल्फाबेट लिखें तो क्या होगा। इसका एडिशन हालांकि 3 आना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने अल्फाबेट पहले लिखा है तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए दोस्तों इसका रिजल्ट 0 आया, क्योंकि इसने डिफॉल्ट वैल्यू 0 समझी है तो इसका एडिशन इसने 0 दिया है। अब हम यहाँ पर एक चेंज करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 4 कुछ भी लिखता हूँ, पहले 4 फिर कोई अल्फाबेट, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। ये देखिए दोस्तों इसने 1 को जो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट बॉक्स 1 में, इसने 1 को इग्नोर कर दिया है क्योंकि इससे पहले अल्फाबेट लिखा है, और इसने सिर्फ 4 लिया है जो कि 0 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी, उसमें ऐड करके रिजल्ट 4 दिया है। अब एक चीज़ और ट्राई करते हैं। अब मैं 6G लिखता हूँ तो देखते हैं इसका रिजल्ट। मेरे ख्याल से रिजल्ट आना चाहिए 10, लेकिन दोस्तों इसने अल्फाबेट्स को नेगलेक्ट कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, इसीलिए इसका रिजल्ट 10 आया है। 6 + 4 = 10। अब आप समझ गए होंगे अगर हम वैल्यू ना लिखें, मतलब कि ये वैल कीवर्ड ना लिखें तो हमारे प्रोग्राम के साथ क्या होगा। और दोस्तों जो ये वैल्यूज अल्फाबेट्स इग्नोर हो रहे हैं या फिर अल्फाबेट के बाद हम कोई वैल्यू लिखते हैं वो इग्नोर हो रही है, इसके लिए विजुअल बेसिक में ऑलरेडी कोडिंग की हुई है जो कि हमें नहीं पता है क्या है। तो इसीलिए हमें वैल्यू लिखना, मतलब कि VAL लिखना ज़रूरी है ताकि हम उसका एडिशन कर सकें वैल्यूज़ का, वरना वो एज इट इज़ कॉपी हो जाती हैं। आप और कुछ कॉम्बिनेशन, वैसे तो मुझे लगता है हम सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुके हैं। चलिए इस बार हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो F5 के ज़रिए भी। मैंने F5 से इसको एग्जीक्यूट किया।
हालांकि मैंने यहाँ पर ये सिंबल चेंज नहीं किया है। चलिए कोई नहीं, हमें फिलहाल पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चलिए जैसे मैं इसको कैलकुलेट करूँगा इसका आंसर 4 आ जाएगा, ये एकदम करेक्ट। कुछ और भी ट्राई करते हैं, 6 एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है फ्रेंड्स हमारा। और इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, हम बजाए टैक्स बॉक्स में असाइन कराने के हम इसको मैसेज बॉक्स में भी असाइन करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए दोस्तों मैसेज बॉक्स में 10 जो कि हमारा आंसर है मल्टीप्लिकेशन का, 5 × 2 = 10 एक मैसेज बॉक्स पॉपअप एक बॉक्स आया है जिसमें इसकी कैलकुलेशन आ गई है। हालांकि मैसेज बॉक्स जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैसेज बॉक्स एक और तरीका होता है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, तो फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि मैसेज बॉक्स में एक आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, बाकी के आर्ग्यूमेंट्स हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। आप कुछ और डिटेल्स चाहिए, कुछ थ्योरी चाहिए इसकी, तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो और मेरी वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज का जल्द से जल्द सोल्यूशन लेकर आपको रिप्लाई करूँ। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।